मेरे इन लॉज का काफ़ी सपोर्ट रहा है तो वो इस बारे में बहुत फ्लेक्सिबल है कि मैं जॉब करूं जब मैं जॉब भी करती थी तो वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है इस चीज़ को लेके तो अब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो वो और सपोर्टिव है क्योंकि ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसा करूं जो मैं खुद ही संभाल सकूँ अलाम नाजरन आप देख रहे हो खबर उर्दू मैं हूँ पठान जावेद नाजरन आज हमारे साथ बात करने के लिए एक यंग एंटरप्रेनोर नवा जिसने हाल ही में जो है जैम और अचार का बिजनेस जो है स्टार्ट किया नवा हमारे साथ अभी रूबरू है इनसे हम बात करेंगे इसे जानेंगे कि इस बिज़नेस के हवाले से और इसके लाइफ के हवाले से नवा सबसे पहले आपका खबर उर्दू में आपका खैर यू सो मच शुक्रिया सबसे पहले आपने बारे में बताइए मैं एक्चुअली मैंने अपना स्कूलिंग स्टार्ट की प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट से उसके बाद स्कूल के बाद ही इमिडिएटली मैंने यूनिवर्सिटी जॉइन की आ, मैं आईएमबी किया है वहाँ पे तो आईएमबी के बाद मैंने थोड़े टाइम के लिए अरसे के लिए पढ़ाया है स्कूल्स में बट अल्टीमेटली मैं चाहती थी कि मैं अपना कुछ शुरू करूँ तो लास्ट ईयर फेब में थोड़ा मुझे ये ख्याल आया कि मुझे ऐसे करना चाहिए क्योंकि मेरा हमेशा कुकिंग में इंटरेस्ट रहा है तो मैंने लास्ट ईयर फेब में एक स्मॉल स्केल पे स्टार्ट कर दिया और बहुत फैमिली का भी हेल्प रहा है मेरे इन लॉज़ का भी हेल्प रहा है काफ़ी तो हमने स्टार्ट किया मैंने स्टार्ट कर दिया तो शुक्र अल्लाह का मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया तो उस वजह से मुझे लगा कि मुझे कंटिन्यू करना चाहिए ये चीज़ तो अब इन एक्सपैंड करने का सोच रही हूँ नाउ इट हैज़ बीन अराउंड एक साल से ज़्यादा हो गया तो हमने रिसेंटली एक इवेंट भी किया वहाँ भी अच्छा रिस्पॉन्स आया तो अब हम प्लान कर रहे हैं कि अब हम रिटेल मार्केट में एंटर करेंगे न, 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 आप शादी शुदा मतलब क्योंकि आपने इनलाज लाज की बात की तो मतलब ये भी एक प्लस पॉइंट है क्योंकि इनलाज आपको इजाज़त दिया जी, 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 इसके हवाले से थोड़ा सा बताया मतलब बहुत सारे ऐसे जो जिनके मना करते हैं कोई काम करने से बिजनेस स्टार्ट किया तो कितना सपोर्ट रहा और खासकर जो आपका हस्बैंड है है उसका सपोर्ट हाँ। है और उसका कितना कितना सपोर्ट और रोल मेरे इन लॉज का, का काफ़ी सपोर्ट रहा है तो वो इस बारे में बहुत फ्लेक्सिबल है कि मैं जॉब करूँ जब मैं जॉब भी करती थी तो वो काफ़ी फ्लैक्बल है इस चीज़ को लेके तो अब मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है तो वो और सपोर्टिव है क्योंकि ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसा करूं जो मैं खुद ही संभाल सकूं। तो मेरे बच्चों का ख्याल भी वो रख लेते हैं जब मुझे रिक्वायरमेंट होती है मेरी फैमिली से भी मुझे सपोर्ट मिलता है मेरे माँ बाप से एंड एवरी थिंग शकुर अलहमदिल्ला बहुत अच्छा जा रहा है अभी तक एम भी किया है आपने तो क्यों आपने यही क्यों चुना क्योंकि आपने टीचिंग भी की है क्योंकि एक टीचिंग भी एक ऐसा आ, काम है कि एक बच्चे को सुपर पावर बनाना क्योंकि टीचर ही सब कुछ एक चीज़ है कि वो बच्चों को आगे बढ़ा सकते जी बिल्कुल आ, टीचिंग में मैंने आ, थोड़े साल दिए हैं एक दो साल दिए हैं करीब लेकिन जो एम का बेसिक पर्पस रहता है लाइक जो मेरे दिमाग में वो बिज़नेस वाली बात मैं बिज़नेस फ़ैमिली से बिलोंग करती हूँ एक्चुअली मेरे इन लॉज के तरफ से भी और मेरे घर के तरफ से भी तो आ, वो चीज़ हमेशा मेरे दिमाग में थी कि मुझे अपना कुछ करना है लेकिन क्या करना है उसका आइडिया अभी तक नहीं आ रहा था तो फिर ये पिकल्स वाली चीज़ मैंने स्टार्ट की क्योंकि मुझे हमेशा कुकिंग पसंद थी तो मैंने ट्राई की ए, पिकल्स बनाना थोड़ा बहुत सीखा भी था ममा से तो शुक्र अल्लाह का यही चीज़ मैं मुझे मुझे अब बहुत लाइक like, अच्छा लग रहा है ये काम करना इट इज़ समथिंग जो मुझे पसंद भी है और जिसमें मैं इंटरेस्टेड भी हूँ तो, कि, कितना मतलब एक साल हुआ आपको इस काम जी, के साथ? जी. तो क्या ऑर्डर्स आपका आते हैं और कितनी वेराइटीज बनती है आपके अचार की और जो ये जाम भी आप बनाते हो तो उसमें भी कितनी वेराटीज़ है क्योंकि अब लोग जो है वैराइट ढूंढते हैं क्योंकि जाम तो बहुत सारे बनते हाँ। हैं तो बहुत सारे बनते हैं हमारा रिस्पॉ हमने इंस्टाग्राम से स्टार्ट किया बेसिकली उस पर हमने छोटा सा छोटा सा पेज क्रिएट किया तो फिर थोड़ी प्रमोशन वगैरह की लोगों ने भी बहुत हेल्प की है इस बीच में मतलब बाकी बिजनेसेस ने हमेशा हमारा बहुत सपोर्ट किया जो लोकल बिजनेसेस हैं आइडियाज़ दिए क्या करना है प्लेटफॉर्म uh, दिया थोड़ा बहुत बहुत कुछ बहुत ज़्यादा हेल्प किए लोग यहाँ पे बहुत हेल्पफुल है हम बोलते हैं कि उसने हेल्प नहीं की इसने हेल्प नहीं लेकिन हमने फ्रॉम पास्ट वन ईयर देखा कि लोगों ने हमारी कितनी हेल्प की और फिर हमने पिकल्स के साथ स्टार्ट किया हमने हमारा मेरा हमेशा माइंड ये था कि मैं कुछ ऐसे पिकल्स इंट्रोड्यूस करूं जो यूजुअली मार्केट में नहीं मिलते हैं जैसे हम अपना कश्मीरी मिक्स वेज अचार वो तो होता ही होता है वो तो हमारे मेन्यू में वैसे भी है उसके अलावा चिकन मटन गार्लिक चिल्ली हमारा बीट रूट अचार है जो बहुत डिफरेंट है यहाँ कोई नहीं बेचता है और हमारा डेट्स पिकल खजूर का पिकल है जो बिल्कुल यहाँ पे कोई नहीं बेचता है ये दो चीजें हमारी इसमें हमारी मोनोपली है और लोग इसको बहुत पसंद भी करते हैं बीट रूट पिकल हमारा बेस्ट सेलर है हमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम ऑर्डर्स बीट रूट पिकल के आते हैं हाल ही में एक एग्जिबिशन हुआ वहाँ हमने हमारा डेट पिकल का बहुत ज्यादा डिमांड हुआ हमारा ऑलमोस्ट पूरा डेट पिकल ख़त्म हो गया सारी वराइटीज में से उसके अलावा आपको पता ही है मटन चिकन तो लोगों को पसंद ही है तो तो मिलता भी है बट आई डोंट नो वो कैसे प्रिपेयर करते हैं बट हम पूरा हाइजीनिकली हम कोई प्रज़र्वेटिव यूज़ नहीं करते जैसे घर पे यूजुअली आप चीज़ बनाते हो खाना बनाते हो या अचार बनाते हो घर पे हम बस वही प्रोसीजर फॉलो करते हैं और कुछ नहीं और रिसेंटली uh, जब हम सूट का सीज़न था क्विंस तो हमने अपना क्विंस जाम स्टार्ट किया जिसको हम मुर्बा कहते हैं वो लोग बहुत पसंद करते हैं अल्लाह का वो हमारा सारा स्टॉक क्लियर हो गया और अब हमें और भी ऑर्डर्स आ रहे हैं उसके लिए तो अब हमारे सीजनल फ्रूट्स आ रहे हैं जैसे स्ट्रॉबेरी है एप्रिकॉट है प्लम है तो इन हम और जाम्स इंट्रोड्यूस करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि हम लोकली ही चीज़ें लें और सीजनल फ्रूट्स के साथ डील करें और हमारा हनी भी रहता है हनी भी हमारा पूरा ऑर्गेनिक हनी हम परचेज़ करते हैं और वही रीसेल करते हैं कितना सपोर्ट है अभी मार्केट में आपको क्योंकि जो नई नई चीज़ें हैं इंट्रोड्यूस करना क्यों काफ़ी मुश्किल होता है उनको लोगों तक पहुंचाना को लगता है कि जो चीज़ें आपने बनाई है जो आपने अलग बना है वो लोगों तक अच्छे से पहुंचा और उन्होंने भी उसको रेस्पॉन्ड मतलब आगे बढ़ाया उस चीज़ को कि आपको अच्छा रेस्पॉन्ड मिल रहा है अभी uh... एक्चुअली हमने अभी ऐसे शॉप्स वगैरह में रिटेल में डाला नहीं है अपना प्रोडक्ट ऑर्डर हाँ, हाँ. हाँ जैसे जैसे हम एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं ना मार्केट में हम बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखते हैं लोग बहुत सपोर्टिव रहे हैं इवन लोगों ने अगर ट्राई भी नहीं ना किया होता वो हमसे ओपिनियन मांगते ये कैसा है इसका टेस्ट कैसा है हमें किस चीज़ के साथ ये अच्छा लगेगा खाना फॉर एक्ज़ाम्पल हमारा डेट पिकल है जो सुनता है ना डेट पिकल है तो वो बहुत कन्फ्यूज़ हो जाता है कि एक डेट का कैसे पिकल हो सकता है, है ना लेकिन फिर वो हमसे पूछते हैं ये कैसा होता है इसके टेस्ट कैसा रहता है ये किस चीज़ के साथ हमें अच्छा लगेगा तो हम अकॉर्डिंगली सजेस्ट करते हैं और कभी कभी लोग पूछते हैं आपका इतना बड़ा मेन्यू है आप बताओ हमें कि हमें क्या ऑर्डर करना चाहिए तो फिर हम लोगों को सजेस्ट करते हैं हम उनको पूछते हैं कि आपकी क्या पसंद है आपको स्पाइसी पसंद है आपको खट्टी चीज़ें पसंद है मीठी चीज़ें पसंद है उस अकॉर्डिंग हम उनको ऑर्डर देते और शुक्र अल्लाह का हमारे ऐसे कस्टमर है जो हमारे रेगुलर है जो ऑर्डर करते रहते हैं हमसे और नए भी आते हैं नए लोगों को भी सजेस्ट करते हैं और अभी तक शुक्र अलहमदिल्ला ऐसा नहीं हुआ है कि कोई हमसे तो जो कस्टमर है वो बन के ही है और आगे भी भी। हाँ और ऐसा हुआ नहीं है कि मतलब जिसको हमसे प्रॉब्लम हुई वो बी इट हेल्थ या कोई और चीज़ को लेकर हमें हमेशा अच्छे रिव्यूज़ ही मिले अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर से हमेशा यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट पे जो है काफ़ी चर्चे होते हैं क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एक विषय बन गया है कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है पढ़े लिखे हैं आपने भी पढ़ा है जी। और आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है जी तो जो बाकी जो यूथ है हमारे लड़के हैं लड़कियां हैं उनको क्या मैसेज देंगे आप आम... अब हम अपने ड्रीम्स को पूरे करने के लिए हमेशा एम्प्लॉयमेंट पे लाइक जैसे जॉब्स वगैरह पे नहीं डिपेंड कर सकते हैं इट्स बेटर कि हम जल्द ही रियलाइज़ करें कि हमें क्या करना चाहिए हमें किस चीज़ में इंटरेस्ट है जब हम अपनी इंटरेस्ट वाली चीज़ को लेकर कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली अच्छा भी लगता है और हम ज़्यादा एफ़र्ट्स भी डालते हैं उसमें तो जितना जल्दी हम ये रियलाइज़ करेंगे उतना जल्दी हम अपने अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं हाँ थोड़ी मुश्किलें होती हैं फाइनेंशियली होती हैं नेटवर्क्स नहीं होते हैं बट वंस आप इसमें आ जाते हो ना तो आपको खुद समझ आता है कि मुझे क्या करना चाहिए और कैसे मुझे आगे बढ़ना है और लोग आपकी हेल्प करते हैं क्योंकि मतलब लोगों ने ख़ुद वो हार्डशिप्स फेस की होती है हमारा तो अलहमदिल्ला लोगों ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है बहुत सारे लोगों ने पहले से ही शौक था क्योंकि बचपन से बचपन में जब हम स्कूल जाते तो बहुत सारे शौक़ आते हैं तो कोई उतार चढ़ाव अपनी लाइफ में अभी तक कोई ऐसा सफ़र जिसका आप यादगार यादगार है आपके मन में नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है बट हाँ जो साल मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी में बिताए हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्रोफेसर काफ़ी अच्छे थे तो मैंने मुझे उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला तो वो चीज़ लेके मैं चली हूँ अभी तक और मेरे फादर उनका भी लाइक बहुत उनका भी बहुत अच्छा बिजनेस माइंड है तो मैंने उनसे भी थोड़ा सा थोड़ा बहुत सीखा है तो वो भी काफ़ी सपोर्टिव रहे हर चीज़ को लेके शुक्र अलहमदिल्ला अभी तक मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ी जो मैं मतलब आपको बोल सकूँ बट शुक्र खुदा का स्मूथ ही रहा है सब कुछ जो सिचुएशन अभी बनी है बाजार में जो हमारी लड़कियां हैं अभी तक डोमेस्टिक वायलेशन के केस काफ़ी सामने आते हैं हाल ही में जो है एक डोमेस्टिक वायलेशन केस सामने आया जिसमें उसकी डेथ भी हुई क्या कुछ कहना चाहेंगे आप क्योंकि आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करते हैं आपके लॉज आपको सपोर्ट करते हैं ऐसे केसेस तो बहुत अनफॉर्चुनेट है कि आज के ज़माने में ऐसा देखने को मिलता है क्योंकि अब लोग काफ़ी एजुकेटेड भी हैं और हमारा मज़हब भी ऐसा नहीं है कि जो बोले कि औरत पे जुल्म करने हैं इसलिए मुझे लगता है कि जो आजकल लड़के हैं उनको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि मतलब ये हमने घर पे मेड ला के नहीं रखी है जो हमारे खाना बनाए हमारे बच्चे संभाले ये एक सपोर्ट सिस्टम है हमारी लाइफ का जैसे हम बोलते हैं कि मतलब शादी करने के बाद आपका आधा दिन कंप्लीट हो जाता है तो ये एक हस्बैंड के लिए एक वाइफ और एक वाइफ के लिए एक हस्बैंड एक सपोर्ट सिस्टम होता है अगर वो दोनों मिल के चले उनमें अंडरस्टैंडिंग हो तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता है। हाँ अब चीज़ें होती हैं एट टाइम्स इन लॉज कान भरते हैं हस्बैंड के या कुछ और फोर्सेस होती हैं वो बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ें होती हैं हमें मुझे लगता है हम लोगों को सीखना चाहिए कि कैसे एक औरत का ख्याल रखना है क्योंकि एक औरत बहुत इम्पोर्टेंट होती है माशरे के लिए और एक औरत को भी अपना ख्याल रखना सीखना चाहिए बस थैंक यू सो मच फोटो तो